गोपालगंज जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर सिवान जाने वाले मार्ग पर थावे नाम का एक स्थान है, जहां माँ थावे वाली का एक प्राचीन मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासिनी भवानी, थावे भवानी और राशु भवानी के नाम से भी भक्तजन पुकारते हैं। ऐसे तो साल भर यहाँ माँ के भक्त आते हैं, परंतु शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मान्यता है कि यहाँ माँ अपने भक्त राशु के बुलावे पर असम के कामाख्या स्थान से चलकर यहाँ पहुँची थी। कहा जाता है कि माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता, पटना, आमी होते हुए थावे पहुँची थी और राशु के मस्तक को विभाजित करते हुए साक्षात दर्शन दिए थे। देश की 52 शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर के पीछे एक प्राचीन कहानी है। ये माँ थावे दुर्गा मंदिर है। जैसा कि माना जाता है कि जो राजा मनन सिंह थे, उन्होंने रसु भगत से जीत किया कि आप माँ भवानी को बुलाइए, तो उससे माँ थावे कामाख्या से चलकर गोपालगंज के थावे आई और वहाँ पे इनका मंदिर स्थित है, यहाँ पे जहाँ पे देश विदेश से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे थोड़ी दूर पे रसु भगत का भी मंदिर है। जनश्रुतियों के मुताबिक राजा मनन सिंह हथुआ के राजा थे। वे अपने आप को माँ दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। गर्व होने के कारण अपने सामने वे किसी को भी माँ का भक्त नहीं मानते थे। इसी क्रम में राज्य में अकाल पड़ गया और लोग खाने को तरसने लगे। थावे में कामाख्या देवी माँ का एक सच्चा भक्त राशु रहता था। कथा के अनुसार राशु माँ की कृपा से दिन में घास काटता और रात को उसी से अन्न निकल जाता था, जिस कारण वहाँ के लोगों को अन्न मिलने लगा। परंतु राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने राशु को ढोंगी बताते हुए माँ को बुलाने को कहा। राशु ने कई बार राजा से प्रार्थना की कि अगर माँ यहाँ आएंगी तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, परंतु राजा नहीं माने। राशु की प्रार्थना पर माँ कोलकाता, पटना और आमी से होते हुए यहाँ पहुँची। राजा के सभी भवन गिर गए और राजा की मौत हो गई। मान्यता यही है कि ये देवी भक्त थे और देवी शक्ति से बाघ का दौरी करते थे, और ये जंगल झाड़ी जितना आप देख रहे हैं ये सब चेरो वंश महाराजा मनन सिंह महाराज का 95 एकड़ में मकान था। इस बाबा के विषय में राजा को मालूम नहीं था, तो अपने गुप्तचर के द्वारा रसु भक्त को भवानी पुण्य छपरी से बुलवाए। बाबा जब आए तो राजा से बोले कि ये बताइए, हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और हमारा रैयत खाने बिना मर रहा है, इतना सुंदर सुंदर चावल कहाँ से ला करके बांटते हो? तो बाबा बोले कि ये सब देवी का कृपा है, माँ का कृपा है। वही राजा बोले कि अपने माँ को दिखाइए। यही बाबा ने माँ भगवती का आराधना किया, तो माँ भगवती कामरूप कमाख्या से चली तो कलकत्ता आई, कलकत्ता से पटना, पटना से आमी, आमी से वाल्मीकि नगर, मदनपुर जंगल, पटजीरवा महारानी का स्थान, खनवार, पिपरा, घोड़ा घाट, उसके बाद में सातवां स्थान यहाँ पर आकर के माँ अपना मस्तक फाड़ करके रसु भक्त का अपना दहिना हाथ कंगन के साथ में दिखाया, और राजा का उसी वक्त में सर्वनाश हुआ और बाबा का उसी वक्त में मोक्ष हो गया। जहाँ दर्शन दिए वहाँ एक भव्य मंदिर है तथा कुछ ही दूर पर राशु भगत का भी मंदिर है। मान्यता है कि जो लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं वे राशु भगत के मंदिर में भी जरूर जाते हैं, नहीं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी मंदिर के पास आज भी मनन सिंह के भवनों का खंडहर भी मौजूद है। चेरो वंश
के समय से, उसी समय राजा मनन सिंह के कहने पर राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रभक्त माँ को बुलाए, ठीक है, माँ काम रूप से चल करे आई, बीच में रुकते हुए आई, माँ जब आई मनन सिंह को जब दर्शन हुआ उस समय राष्ट्र का मस्तक फट गया। मंदिर के आसपास के लोगों के अनुसार यहाँ के लोग किसी भी शुभ कार्य के पूर्व और उसके पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ आना नहीं भूलते। यहाँ माँ के भक्त प्रसाद के रूप में नारियल, पेड़ा और चुनरी चढ़ाते हैं। माँ के दर्शन करना तो दर्शन करना है, और क्या, माँ उनसे बड़ा कोई और चीज़ें होती नहीं है। आप आए कहाँ से? मैं गोरखपुर से आया। मतलब गोरखपुर से खास इस मंदिर का दर्शन करने और माँ का सेवा करने? और कोई काम नहीं, बस यही काम था। आप कितनी बार आ चुके हैं? तीसरी बार, थर्ड टाइम्स। अपना नाम बताओ। मेरा नाम रमेश कश्यप है। मंदिर का नाम बहुत सुना था हम लोग, उनको दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से मतलब ये मंदिर का दर्शन करने आए थे? पहले से भी यहाँ पे आए हुए हैं आप? या पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। क्या मानते हैं कि यहाँ पे मनोकामनाएं मांगने को पूर्ण होता है? बस एक माँ का आशीर्वाद है, आस्था है कि मतलब पूरा परिवार सुखी रहे और समाज सुखी रहे। अपना नाम बताओ। मंदिर का गर्भगृह काफी पुराना है। तीन तरफ से जंगल से घिरे इस मंदिर में आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। नवरात्र में सप्तमी को माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन मंदिर में भक्त भारी संख्या में पहुँचते हैं। मंदिर की दूरी गोपालगंज से जहां 6 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 के किनारे स्थित मंदिर सीवान जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है। सीवान और थावे से यहां कई सवारी गाड़ियां आती हैं।